गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज पर आवर सब्सक्राइबर रीता कुमारी हैज अगेन गिव रिक्विजिशन फॉर द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर हेडफोन मेंस। सो टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन आंसर। उनकी रिक्वेस्ट पे ही हम आज क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहे हैं, रीता कुमारी की रिक्वेस्ट पे। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू अवॉइड हेडफोन। हमें हेडफोन को अवॉइड करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों ऐसा है कि हमें हेडफोन अवॉइड करना चाहिए। सो द आंसर यू विल गेट फ्रॉम हियर, वी नीड टू अवॉइड हेडफोन बिकॉज सो इन प्लेस ऑफ यू हियर वी विल राइट वी शुड अवॉइड हेडफोन बिकॉज, देन आफ्टर हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज वी आर vulnerable to accident as our reflexes slow down, क्योंकि हमारे जो reflex actions होते हैं वो slow down हो जाते हैं, इसलिए हम accident से meet कर सकते हैं। second point is we may look but not absorb, हम देखते तो हैं लेकिन उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। third one is earplugs block traffic noise chatters, fourth one is momentary lapse of attention can be fatal. So these are the reason, इसके बाद आप लिखेंगे and it could also could be gradual loss of hearing. So ये points लिख के आप लिखेंगे that these are the reason why we should avoid use headphone. Question number 2 is list 4 things that is pedestrian should follow while crossing the road. चार चीज़ें लिखिए, फोर थिंग लिख ली है आपको जो पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको हमेशा फॉलो करने चाहिए जब भी वो रोड को क्रॉस करें। सो द आंसर इज द फर्स्ट आंसर विल बी हियर, वी शुड नॉट टेक्स्ट टॉक ऑन द फोन, चेक ईमेल एंड लिसन म्यूजिक वाइल वॉकिंग और ड्राइविंग। सो ड्राइविंग आपको लिखने की नीड नहीं है, while walking so आप लिखेंगे we should not text talk and should इसलिए हो गया क्योंकि हम इसे moral models पे बता रहे हैं, हम बता रहे हैं moral obligations है कि हमें नहीं करना चाहिए। so we should not do text talk on phone, check an email and listen to music while crossing the road. so this is the first thing. Second thing, what should we not do? We should not use headphone. We should not listen music. Third one is, we should not check email. इसे आप 4 points पे, जो 4 points हमने लिखे हैं यहाँ पे, इन सबको आपको 4 points पे लिखना है. So we should not text message. We should not second point पे talk on phone. Third point पे हम लिखेंगे check an email. फोर्थ पॉइंट पे हम लिखेंगे लिसन म्यूजिक। तो हमें ये 4 थिंग्स है जो कभी भी नहीं करनी चाहिए वाइल क्रॉसिंग द रोड। द थर्ड क्वेश्चन इज वॉकिंग विद द ईयरफोन ऑन द रोड्स आर वेरी डेंजरस, गिव 4 रीज़न टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। सो जब कभी हम ईयरफोन्स के साथ में चलते हैं तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इस क्वेश्चन में आपसे रीजंस पूछ रहे हैं कि रीज़न दीजिए जिससे कि ऐसा क्यों होता है। तो रीज़न के लिए हम आएंगे, हमने इस चैप्टर पे जैसा देखा था, सो इस पे हमें रीजंस मिल जाएंगे। द फर्स्ट रीज़न इज 50% ऑफ द रोड एक्सीडेंट डेथ इन द सिटी आर दोज पेडेस्ट्रियंस एंड यूज ऑफ द हैंड हेल्ड डिवाइसेस। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न दैट 50% ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स आर द ड्यू टू दैट हेडफोन। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न इज इट डाइवर्ट अटेंशन एंड कॉज हियरिंग डेफिशिएट। सो क्योंकि जब पेडेस्ट्रियंस चलते हुए हेडफोन सुनते हैं तो उनके अटेंशन्स डाइवर्ट हो सकते हैं, दूसरी जगह भटक सकते हैं और उनकी जो हियरिंग एफिशिएंसी होती है वो भी डिफिशियंस हो सकती है। सो दिस इज़ द सेकंड रीज़न। द थर्ड रीज़न इज अ सेकंड ऑफ बिकॉज द डिस्ट्रैक्शन कैन पुट वंस लाइफ एट रिस्क। दिस इज़ द थर्ड रीज़न दैट इट कैन पुट्स वन लाइफ रिस्क। And the fourth reason is because the pedestrians unable to respond
to the emergency situation appropriately, because the pedestrians unable to respond the emergency situations appropriately. So these are the four reasons. ये four reasons है जिसके reason से भी हमें कभी भी pedestrians को के कारण कभी भी headphone के reason से accidents हो सकते हैं. So you can write all this four reasons. Now what is the reason behind the increasing number of death of pedestrians of is road accident. Road accident में जो बहुत सारे जो accidents death accidents बढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या reason है. तो reason आप यहाँ पे देंगे that maximum attention deficiency due to use of headphone and people are using headphone, it can distract their attention and it can contribute, it is a main contributing factor for the accidents. So thus we have completed all the question answers of that. If you have any query, please write us on comment. Thank you for watching and please subscribe our channel. So continuously aapko is channel pe question answers and channel ki explanations milti rahegi. Thank you.